हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन व्हाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर। आपको कौन सा यूज करना चाहिए, ब्राउन शुगर या व्हाइट शुगर। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप तो जानते ही हैं शुगर कैसे बनता है। गन्ने मतलब शुगर केन से। शुगर केन का जूस निकालने के बाद उसे बॉइल किया जाता है। धीरे धीरे वेपोरेटेड होने के बाद जो पेस्ट मिलता है उसको सुखाने के बाद आपको शुगर मिलता है, जो गुड़ के नाम से जाना जाता है, मतलब ब्राउन शुगर। अब तो ब्राउन वाले शुगर लेने वाले नहीं है, तो उस ब्राउन शुगर को रिफाइन करके जो ब्राउन कलर के लिक्विड होता है उसे क्लियर करके ही व्हाइट शुगर बनता है। तो दोस्तों व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर दोनों का ही बेस सेम है, मतलब एक ही है, शुगर केन। इन दोनों में कुछ बड़े डिफरेंस नहीं है। दोनों के ही कैलोरीज लगभग सेम ही है। जो चम्मच आप देख रहे हैं वो है 15 ग्राम की, तो 15 ग्राम के एक सर्विंग में आपको लगभग 55 से 60 कैलोरी मिलता है, चाहे वो व्हाइट हो या ब्राउन हो। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं इसके डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत ही कम है। जो डिफरेंस है वो है ब्राउन शुगर के अंदर थोड़ा ज्यादा आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मतलब थोड़ा ज्यादा मिनरल्स होता है ब्राउन शुगर में व्हाइट शुगर के मुकाबले में। अगर आपको डायबिटीज है या आप नॉर्मल इंसान हो, दोनों ही आपके लिए सेम है। दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही आपके सेम ब्लड स्पाइक होंगे। तो आप सोच रहे हैं व्हाइट शुगर को छोड़ के ब्राउन शुगर लेंगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा, ये बिल्कुल गलत सोच है आपका। तो व्हाइट शुगर या ब्राउन शुगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं आपके स्किन को कर्विंग करने के लिए, जो आपके स्किन की डेड सेल को निकलने में काम आएंगे। और दोस्तों आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ये क्रोमियम पिक्यूलिनेट, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जो लोग ओबेसिटी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या डायबिटीज से जूझ रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है। इनके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.